हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल है आप सभी का। दोस्तों, कितनी मज़े की बात है ना कि आज हमारे एक क्लिक पे एनसीईआरटी की कोई भी बुक, एनसीईआरटी की कोई भी बुक की सॉल्यूशन कितने आसानी से अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, वहीं 4 साल 5 साल पहले की बात करें तो हमें इतनी आसानी से सारी चीज़ें नहीं मिल पाती थी, या फिर होती भी थी तो कोई बताने वाला नहीं था। तो दोस्तों, उस समय हमारे लिए कुंजी का बहुत बड़ा योगदान हो जाता था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में सब की सब चीज़ें ऑनलाइन नेट पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ ऐसे 3 एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप लोग एनसीईआरटी की कोई भी बुक का सॉल्यूशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग को एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना होगा और वहाँ जा करके सर्च बॉक्स में लिखना होगा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जैसे आप इसे लिखेंगे, इस तरह से कई सारे एप्लीकेशन आएंगे। तो दोस्तों, उसमें से मैंने टॉप 3 एप्लीकेशन चूज किया है। तो चलिए, सबसे पहला एप्लीकेशन मैं आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों, उस एप्लीकेशन, ये जो रेड कलर का आइकन बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है मुकेश कौशिक, जब इस एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को नजर आ सकता है 5000 डाउनलोड्स, 4.4 रेटिंग नजर आ रहा होगा और यहाँ पे मुकेश कौशिक नजर आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस पे आप लोग को इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे ही आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा, उसके बाद ओपन पे क्लिक कीजिए। मैं भी ओपन कर लेता हूँ। और इस तरह से दोस्तों, आप लोग को एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन, एससी वर्मा सॉल्यूशन, आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन और भी बहुत सारे बुक्स के सॉल्यूशन नज़र आ रहे होंगे। तो दोस्तों, सोचिए कितना अच्छा ये एप्लीकेशन है, जहाँ से आप लोग को एनसीईआरटी के सॉल्यूशन की बात तो अलग ही है, आपको बहुत सारे साइड बुक्स जैसे कि एससी वर्मा और आरडी शर्मा की भी आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार एप्लीकेशन है। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि आप लोग को सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब एनसीईआरटी की सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th, क्लास 9th, ऐसे करते हुए क्लास 1st तक, यानी कि क्लास 1st से लेकर के क्लास 12th तक की एनसीईआरटी बुक का आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, डेमो के रूप में मैं क्लास 10th चूज करता हूँ। जैसे मैंने क्लास 10th चूज किया तो यहाँ पे क्लास 10th साइंस, क्लास 10th सोशल साइंस, क्लास 10th हिंदी, क्लास 10th हिंदी कृतिका, क्लास 10th मैथमेटिक्स, सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो चलिए, मैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पे क्लिक करता हूँ। और जैसे मैंने क्लिक किया, ये सारे चैप्टर्स आ गए हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर, चैप्टर 2 पॉलीनोमियल, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस तरह से सारे चैप्टर वाइज आपको नज़र आ रहे होंगे। कुछ बीच बीच में ऐड भी है, उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो देखिए, चैप्टर 15 तक यहाँ पे अवेलेबल है क्लास 10th की मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे नीचे चैप्टर्स के जैसे नीचे आप देखेंगे एडवांस पीडीपी व्यूअर और बेसिक पीडीपी व्यूअर, 2 तरह का फॉर्मेट है। तो दोस्तों, चलिए डेमो के रूप में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, उसके लिए मैं सबसे पहले बेसिक पीडीएफ व्यूअर पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ऊपर डाउनलोड फाइल लिख करके आ रहा है और नीचे कुछ ऐड आ रहा है, उसको आप इग्नोर करिए और डाउनलोड फाइल पे क्लिक कीजिए। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया, डाउनलोड हो गया और फिर मैं इसे ओपन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे ही मैंने ओपन किया तो देखिए, मैथमेटिक्स चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए क्वेश्चन 1 और नीचे इधर देखिए सॉल्यूशन। तो दोस्तों, इस तरह से आपको क्वेश्चन और नीचे सॉल्यूशन नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप लोग को सारे क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये बहुत ही कमाल की एप्लीकेशन है। मैंने एक मैथमेटिक्स क्लास 10th का एग्जांपल दे दिया आप लोग को। उस तरह से आप लोग क्लास 10th साइंस भी चूज कर सकते हैं और इस तरह से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्लास 10th हिंदी भी चूज कर सकते हैं और सेम वे उसी तरह से नीचे एडवांस पीडीएफ, बेसिक पीडीएफ, नीचे सारे चैप्टर्स के नीचे नज़र आ रहा होगा।
अगर आप चाहते हैं क्लास वाइज, तो क्लास वाइज आप क्लास ट्वेल्थ भी चूज कर सकते हैं। क्लास ट्वेल्थ में जैसे मान लीजिए क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स, क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री, क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स पे क्लिक करता हूँ। सेम वे उसी तरह यहाँ पे भी एडवांस पीडीएफ, बेसिक पीडीएफ वर्जन, सारी चीजें उसी तरह होंगी जिस तरह मैंने क्लास टेंथ का मैथमेटिक्स बताया, उस तरह क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स भी हो सकता है या फिर कोई भी चैप्टर हो सकता है। सिंपल सा आप लोगों को यहाँ से क्लास चूज करना होगा, क्लास के बाद से सब्जेक्ट चूज करना होगा, सब्जेक्ट चूज करने के बाद से डाउनलोड यहाँ पे एडवांस पीडीएफ वर्जन या बेसिक पीडीएफ वर्जन पे आपके डाउनलोड कर देना होगा। दोस्तों काफ़ी आसान है। तो दोस्तों ये तो हुआ पहला एप्लीकेशन। अब दोस्तों चलिए दूसरे एप्लीकेशन पे चलते हैं। दूसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको एक बार फिर प्ले स्टोर पे जाना होगा और वहाँ जा करके हरे हरे कलर का आइकन दिखता होगा जिस पे तितली बनी होगी, तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रहा होगा 1 मिलियन डाउनलोड्स और 4.5 रेटिंग। तो दोस्तों ये भी बहुत कमाल का एप्लीकेशन है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बनाने के लिए। तो चलिए दूसरे एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों एक बात नोटिस करने वाली बात है कि इस आइकन को जरूर देखिएगा, या तितली बनी हुई है और 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं प्लस 4.5 रेटिंग है। तो चलिए मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करता हूँ। मैंने इंस्टॉल पे लगा दिया है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। चलिए इस एप्लीकेशन को खोल के देखते हैं। दोस्तों मैंने एप्लीकेशन को खोल दिया है, यहाँ पे लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग साइनअप कर देते हैं। साइनअप करते समय आपको आपका बोर्ड पूछेगा, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, गुजरात बोर्ड। चूंकि मुझे NCERT बुक का सॉल्यूशन चाहिए, तो चलिए मैं CBSE चूज करता हूँ। मुझसे यहाँ पे ग्रेड पूछ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो मैं यहाँ पे क्लास 12th साइंस चूज कर लेता हूँ। जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट नज़र आ रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ आप लोग को नज़र आ रहा होगा फिजिक्स पार्ट 1 NCERT सॉल्यूशन, फिजिक्स पार्ट 2 NCERT सॉल्यूशन, इसी तरह से मैथ पार्ट 1 NCERT सॉल्यूशन, मैथ पार्ट 2 NCERT सॉल्यूशन। तो दोस्तों इस तरह से सारे सॉल्यूशन बाहर ही रखे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं फिजिक्स पार्ट 1 NCERT सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स के सारे चैप्टर्स आ गए हैं। चूंकि मैंने क्लास चूज करते समय क्लास 12 चूज किया था और CBSE बोर्ड चूज किया था, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें आ रही हैं। आप लोग अपने हिसाब से अपने क्लास को चूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी डाउनलोड कर देता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल नज़र आ रहा होगा, उस पर डाउनलोड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी ऊपर नज़र आ रहा है, और ये देखिए क्वेश्चन 3.1। इस तरह से दोस्तों देखिए ये सारे क्वेश्चन 3.2, क्वेश्चन 3.3। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन और नीचे सॉल्यूशन आप लोग को नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग इस एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। सिंपल आपको करना वही होगा, यहाँ सारे आप लोग को पहले क्लास चूज करना होगा, क्लास के बाद आप लोग को अपना बोर्ड चूज करना होगा। और जैसे आप लोग क्लास और बोर्ड चूज कर लेंगे, जैसे ये इंटरफेस खुल के आएगा, यहाँ पे आप लोग के सारे सब्जेक्ट्स आपकी क्लास के हिसाब से सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे और उस तरह से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन में भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, RD शर्मा है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है। तो दोस्तों जिस भी क्लास में आप होंगे उस क्लास की सारी सब्जेक्ट्स उसमें अवेलेबल होंगे। आप अपने क्लास और सब्जेक्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों तीसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। तीसरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको एक बार फिर प्ले स्टोर पे जाना होगा। और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा माई CBSE गाइड, और ऐसे बुक्स बने हुए नज़र आ रहे होंगे, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो
तो दोस्तों इस पर आप देखेंगे लिखा हुआ नज़र आ रहा है माई सीबीएसई गाइड, सीबीएसई पेपर्स एंड एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स हैं, 4.6 रेटिंग है। चलिए इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो गया है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को भी हम लोग खोल लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही मेहनत से मैंने 3 एप्लीकेशन चूज किया है आप लोग के लिए ही, और तीनों एप्लीकेशन बहुत मज़ेदार हैं। तो चलिए मैं, तो दोस्तों इसमें भी OTP डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा या फिर साइनअप करना होगा। तो चलिए मैं इसमें भी साइनअप कर लेता हूँ। मैंने CBSE डाल दिया कोर्स में, मैंने नाम अपना डाल दिया, टाइप में स्टूडेंट डाल दिया, कोर्स में CBSE डाल दिया, मॉड्यूल में अपनी क्लास को डालना, आप जो भी जिस क्लास में पढ़ते हैं आप उस क्लास को डाल दीजिएगा। चलिए मैं इसमें क्लास 11 डाल देता हूँ और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ये सारे चैप्टर क्लास 11th के आपके सामने आ गए हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, सारे चैप्टर्स जो है क्लास 11th के यहाँ पे आ गए हैं। आप इसमें से जो जो चैप्टर के NCERT सॉल्यूशन को डाउनलोड करना चाहते हैं उस चैप्टर को क्लिक कर लीजिए, उसके बाद अपडेट कर लीजिए। तो जैसे ही आप अपडेट करेंगे इस तरह से एक पेज खुल के आएगा जहाँ ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है डैशबोर्ड, और जैसे ही आप नीचे आएंगे सब्जेक्ट्स में वो सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो आपने पहले चूज किया था। तो चलिए मैं इस सब्जेक्ट्स वाले ऑप्शन में, अगर आप चाहें तो और चीज़ें ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, उसके लिए आपको इस वाले प्लस वाले सिंबल पर जाना होगा, और इस पर आप जैसे ही जाएंगे तैसे आप इस फिर से पिछले पेज पर आ जाएंगे और सारे सब्जेक्ट चॉइस के ऑप्शन फिर से आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ भी बिना चेंज किए हुए चाहे चलिए एक बार कंप्यूटर साइंस भी ऐड कर देता हूँ, इंग्लिश कोर ऐड कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और इंग्लिश कोर फिर से आ गया है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं चैप्टर डाउनलोड करके दिखाता हूँ। दोस्तों मैथमेटिक्स में मैंने क्लिक किया है, ऊपर सोर्सेस नज़र आ रहे हैं, नीचे लर्न वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, वहाँ पे NCERT सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए मैं NCERT सॉल्यूशन पे क्लिक करता हूँ और देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ से आप लोग किसी भी चैप्टर को क्लिक करके चैप्टर वाइज डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह से सारे चैप्टर खुल के आ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आप लोग को 3 एप्लीकेशन बताया, और दोस्तों ये भी एप्लीकेशन काफ़ी कमाल का है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं CBSE रिवीजन नोट्स, CBSE सॉल्यूशन, NCERT एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, वीडियोज, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये भी एप्लीकेशन काफ़ी कमाल का है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। तीनों एप्लीकेशन काफ़ी मज़ेदार हैं, मैंने तीनों एप्लीकेशन आप लोग से बता दिए हैं, आप लोग को अपने हिसाब से इन तीनों एप्लीकेशन को यूज़ करना है। चलिए मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे दिखा एक बार फिर से तीनों एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। एक एप्लीकेशन है NCERT बुक जो इस रेड कलर का है, दूसरा कुछ ग्रीन कलर का है NCERT सॉल्यूशन, और तीसरा MyCBSE गाइड है। दोस्तों तीनों एप्लीकेशन काफ़ी कमाल का है, आप लोग को अपने हिसाब से देखना होगा कि कौन सा एप्लीकेशन आपको ज़्यादा पसंद है या फिर किस में आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो रही है, उस हिसाब से आप लोग तीनों एप्लीकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं तीनों एप्लीकेशन का एक एक अलग अलग वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो।